भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर के विधायक कुमार एलानी के ऑफिस में रक्षाबंधन बड़े ही अनोखे तरीके से मनाया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। इस साल भी आमदार कार्यालय में एक अनोखा रक्षाबंधन हमें देखने को मिल रहा है। किस प्रकार की संकल्पना है और क्या अपने बहनों को आप आशीर्वाद दोगे और उनसे क्या आशीर्वाद पाना चाहोगे आप? देखिए, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी बहनें और भारतीय जनता पार्टी की सभी पदाधिकारी और आशा वर्कर, काफ़ी सारे बहनें उल्लासनगर में मुझे हर साल राखी बांधने को आती है। दो साल कोविड की वजह से हम रक्षाबंधन न बना पाए। आज इस साल बड़े धामधूम से सवेरे से लेके आज रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। काफ़ी सारे बहनें सवेरे से लेके ये आज राखियां बांधी है। मेरा हाथ अजीन ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है शाम तक रात तक थोड़ा और नीचे जाएगा। और ये खुशी का त्यौहार है। सभी बहनें भाई को राखी बांध के उनसे आशीर्वाद लेती है, भाई उनसे आशीर्वाद लेता है कि आप अपने परिवार के साथ खुश रहे। और बहने भी भाई बोलता है कि आप परिवार के साथ खुश रहे, आपकी कोई भी तमन्ना है भाई उनकी तमन्नाएं पूरी करता है। आज मुझे आमदार बनाने में इन बहनों ने मुझे जो सहयोग दिया और आज ये मैं आमदार बना हूँ, तो इन बहनों के वजह से, इनके सब के योगदान के वजह से, तो मैं इनको कभी भूल नहीं सकता हूँ। आज ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो हम बहने ने मुझे राखी बांध के, मुझे ऐसा लगता है मुझे भी उनका कर्ज चुकाना चाहिए। एक दूसरे में प्यार बांट के हम एक दूसरे का कर्ज निभाते हैं। मैं इन सब बहनों को धन्यवाद दूंगा जो हर साल की तरह आज मुझे राखी बांध के मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आते हैं, और हर जाति और हर धर्म की। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।